वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो ना ही कोई स्किन केयर है, ना हेयर केयर है, ना मेकअप ट्यूटोरियल है। आज की हमारी वीडियो है फूड रेसिपी। यस गाइस, फूड रेसिपी। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल, स्वीट एंड डिलीशियस सब्जी बनाने वाले हैं। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था कि मैं इस सब्जी को खाऊं, सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि आज डिनर पे घर पे यही सब्जी बनेगी। अगर आप लोग भी ये टेस्टी सब्जी खाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना और इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे किचन में। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और उसकी फ्लेम को लो रखेंगे। उसके बाद में गैस के ऊपर हम एक तवा रखेंगे और तवे के ऊपर हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें 1 कप बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट तक। सो गाइस, आपको इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है ताकि ये कहीं से जल ना जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हो कि बेसन का कलर हल्का सा चेंज हुआ है। तो इसमें हमने अब डाला है नमक स्वादानुसार। नमक के बाद हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, अब हम बनाएंगे सब्जी। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल डाला है। तेल गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, जिसके हमने छोटे छोटे पीसेस करके लिए हैं। ये कम से कम 4 से 5 लहसुन की कलियां है। लहसुन ब्राउन हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 पत्ते कड़ी पत्ता के। कड़ी पत्ता के बाद हमको इसमें ऐड करना है ऑनियन, जिसको फाइनली चॉप करके लेना है। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के ऑनियंस लिए हैं। ऑनियंस हल्के से ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिलीज और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे ऑनियंस अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, जिसको हमने स्क्वायर्स में काट लिया है, छोटे छोटे स्क्वायर्स में काट के लिया है। अब हमें कढ़ाई के ऊपर कवर रखना है और शिमला मिर्च को 4 से 5 मिनट के लिए कुक करके लेना है। ध्यान रखना, आपको शिमला मिर्च को कुक करते समय गैस की फ्लेम को लो रखना है। शिमला मिर्च को पकाते समय हमें ढक्कन को खोल के बीच बीच में ऐसे स्टर करके लेना है ताकि सब्जी हमारी जल ना जाए। आप देख सकते हो शिमला मिर्च पक गई है। तो हम अब इसमें डालेंगे नमक। नमक के बाद हमको इसमें डालना है बेसन, जिसको हमने ड्राई रोस्ट करके लिया है। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक
नमक के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शक्कर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं डालना तो आप मत डालिएगा। शक्कर के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। नींबू के रस से इसमें एक चटपटा सा टेस्ट आता है। अगर आपको नींबू का रस नहीं डालना है तो इसके बदले आप चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको फिर से लो फ्लेम पे कवर करके कुक करेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक। तो गाइस 5 से 7 मिनट हो गए हैं, चलो देखते हैं हमारी सब्ज़ी बन गई है या नहीं। तो सब्ज़ी तो बन गई है, तो यहाँ पर अब हम इसे गार्निश कर रहे हैं धनिए के साथ। इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सब्ज़ी रेडी है। सो गाइस आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी से बन भी जाती है। आप इस सब्जी को रोटी या फिर भाकरी के साथ भी खा सकते हो, दोनों ही चीज़ के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। या फिर आपको आप इससे राइस के साथ भी एज अ साइड डिश खा सकते हो, उसके साथ में भी ये बहुत टेस्टी लगती है। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे फटाफट आप बनाना और इसे टेस्ट करके मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।